बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए सर। 45 इयर्स लंबा आपका बहुत इलस्ट्रियस करियर है, हॉलीवुड, हिंदी फिल्म्स, बांग्ला फिल्म्स, एसमीज फिल्म, इस सब पे बात करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले आपकी जो अपकमिंग फिल्म है थिंकिंग ऑफ हिम, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस एस्पेक्ट को टच किया है इस फिल्म में? एक ही एस्पेक्ट, ये फिल्म विक्टोरिया ओकाम्पो के बारे में है, अर्जेंटीनियन। और विक्टोरिया ओकाम्पो इज अ लेडी हु इन द लिटरेरी वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट लाइक मैडम क्यूरी। विक्टोरिया, यू शुड सिट हियर। सो कहानी उन्हीं के बारे में है, और अर्जेंटीनियन लोगों ने जब रविंद्रनाथ के बारे में सुना, दे वे अमेज्ड कि ये पता नहीं कहाँ इंडिया में एक जंगलों में दिस फेलो, नोबेल प्राइज़ उनको मिल गया, और वो लोगों को, बच्चे को पढ़ाते हैं पेड़ों के नीचे बैठा के। टैगोर जो हैं, जाहिर है इस फिल्म में आपने जो रोल प्ले किया है, तो एक पिछली सेंचुरी के ग्लोबल आइकन है, सिर्फ इंडिया के नहीं। और जो अभी की जनरेशन है इस सेंचुरी की, जो इंस्टाग्राम पे और ट्विटर इसकी दुनिया में रहती है, तो आपके हिसाब से टैगोर उनके लिए आज भी कितने और कैसे रेलेवेंट हैं? जनगण मन, कम ऑन, यू नो, इतना तो रेलेवेंट है कि ही इज क्रिएटेड आवर नेशनल एंथम। बियॉन्ड दैट, जो उनकी वैल्यूज हैं, बियॉन्ड दैट पोएट्री लिटरेचर का वैल्यू बहुत ही कम हो गया। यू नो हाउ मेनी पीपल गो, एवरीबॉडी यू wants to become either a doctor or an engineer or a failure of a scientist. You know, they are not interested in arts because उसमें पैसे हैं। लेकिन समझने की time नहीं है किसी के पास। ये बात सही है। आप बैठो और कविता पढ़ो और सोचते रहो, you know, वो romance और हमारे ज़िंदगी में है नहीं। As you say, it's all Instagram, instant gratification, and so poetry has no place. You know, people. Half the people in this country, okay, have heard of Viktor Banerjee, and half the people don't even know who I am. जब मसूरी आते हैं वो घूमने, तो वो पूछते हैं, सर ये बैनर्जी साहब यहाँ रहते कैसे? नहीं, वो थोड़े आगे आप चले जाओ, इस अच्छा चलते, और आप, मैं रस्किन बॉन्ड हूँ, मान लेते हैं। नाउ रस्किन बॉन्ड हैज बिकम वेरी पॉपुलर, तो वो उनको पता है कि एक, यू नो, ही इज अ बिट फैट। हाँ, नहीं तो पहले तो कुछ नहीं, यू नो, दे डिड नो हु टॉम वॉल्टर इज, दे डिड नॉट नो हु रस्किन बॉन्ड इज, दे डिड नॉट नो हु विक्टर बैनर्जी है। ये, यू नो, दे आर द जानवर दैट लिव इन दिस मसूरी जू, हमको एक बार देख के जाना है बस। सो टैगोर इज वेरी मच लाइक दैट। आपका जो पूरा करियर स्पैन है, आप उसमें पैसेज टू इंडिया, टू जो शतरंज के खिलाड़ी, भूत, सरकार राज, ये तमाम कैरेक्टर्स हैं आपके, तो हर एक्टर का एक अपना मेथड ऑफ एक्टिंग होता है, इतने सारे अलग अलग शेड्स को पोर्ट्रे करने का, इसमें टैगोर बने, तो आपका मेथड ऑफ एक्टिंग क्या है? नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मेथड स्कूल एट ऑल। द सिनेमा दैट वी आइडलाइज, द क्रिकेट दैट वी आइडलाइज, इज वी क्रिएट कैरेक्टर्स। सो मिस्टर बच्चन कैन नॉट मूव आउट ऑफ हिज शेल, यू हैव क्रिएटेड अ शेल फॉर हिम एंड ही हैज टू कंटिन्यू एक्टिंग लाइक दैट। You know, a great actor like Amrish Puri, you destroyed. Great actor like Om Shiv Puri, you destroyed. You know, because you made them into clowns. एक-एक pocket में डाल के कि आप ऐसे ही करो, नहीं तो हम मानेंगे नहीं आप। उसी खांचे में। हाँ, नहीं तो we will not accept you. One of the finest actors, and I mean this seriously, that we have in India today, that you all are ruining, is Shah Rukh Khan. एक बात बताइए सर कि जैसे अभी roles की बात की हमने, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी में आप एक historical character, prime minister थे, ये एक role था। फिर जॉगर्स पार्क में आप जस्टिस बैनर्जी है, जिसके अंदर एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सरकार राज में आप एक टाइकून हैं, माइक राजन मुझे लगता है, शायद मुझे अगर याद हो तो, उसमें एक बहुत बिजनेस और पॉलिटिक्स उसका अपना चल रहा है, तो बहुत अलग अलग शेड्स हैं जिसको आप प्ले कर रहे हैं सोशो पोलिटिकल सिनेरियो के। ये तो स्क्रीन की बात हुई, जो रियल लाइफ में एज एन इंडिविजुअल, क्या आप जो कंट्री में सोशो पोलिटिकली हो रहा है उससे कितना एंगेज करते हैं, या एक एक्टर को कितना करना चाहिए या बोलना चाहिए? I don't think any actor should engage in politics or even bolo very much about politics. Interestingly, आपने अभी पहला इससे पहले बोला कि आपको नहीं लगता कि एक एक्टर को पॉलिटिक्स पे बात करनी चाहिए। नहीं चाहिए। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एज एन एक्टर, आपका लोगों पे एक इन्फ्लुएंस है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात का एक वेटेज है। Only in India. उसी और कहीं नहीं, और यहाँ एक, यू नो, नोएडा का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल जाए
तो 50 फिल्म आ जाएगी, कॉलर खड़े हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग होल लाइफ चेंजेस. दैट इज अ बकवास दैट हैपेंस ओनली इन दिस कंट्री. यू मेक आइडल्स एंड डेमिगॉड्स आउट ऑफ एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स, ये दो बेचारे, एंड पॉलिटिशियंस. खांसी में आप डाल देते हो ना, नाचो नाचो. आपने भी तो 90s में वेंचर किया था, आप इलेक्शन भी लड़े पॉलिटिक्स में, तो फिर एक्टिंग से तब आपने क्यों सोचा कि मैं कुछ पॉलिटिक्स में जाऊं? बिकॉज आई एम बेसिकली अ सोशल वर्कर, सो आई थॉट एज अ सोशल वर्कर आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी बाय बिकमिंग अ लीडर. लाइक यू नो, नाउ सुभाष चंद्र बोस वॉज माई ग्रैंड फादर्स फ्रेंड. ये लोग हमारे घर पर आते थे घूमने, दे वर ऑल यू नो, एंड सबको देख करके सो वी हैड अ वेरी नेशनलिस्टिक अप्रोच. अब देखा कि ये ऑल दीज पीपल आर डूइंग नेशनलिस्ट, तो मैं बीजेपी ज्वाइन किया, दैट्स ऑल. देन आफ्टर फ्यू डेज बाबरी मस्जिद हैपेंड एंड आई सेड ये क्या है, दिस इज नॉट माई सीन. तो तुरंत बाय डिसम्बर आई वॉज आई सेड खुदा हाफिज, आई कैन नॉट, आई नो दिस इज नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट माई एरिया, सोशल सर्विस इज, आज तक है, आई विल कंटिन्यू टू बी अ सोशल वर्कर. आपकी फिल्मों की दोबारा बात करते हैं, करो. अभी जैसे ये बात हुई, अभी जो रोल कर रहे हैं आप टैगोर का, आप रोल प्ले कर रहे हैं, इससे पहले जो आपकी जो फेम था, जो 80s में शायद बहुत कम इंडियन एक्टर्स थे जो उस तरह से जाके हॉलीवुड में डेविड डीन के साथ काम किया होगा, अब तो कई सारे आ गए हैं धीरे धीरे. नो, कौन? मतलब इरफान खान थे, अभी व्हाट डिड ही डू, गुजर गए वो. हां, पर व्हिच इज द ग्रेट फिल्म दैट ही वर्क्ड. हां, वो एक डिबेट का विषय है. नॉट डिबेट, जस्ट गिव मी अ फैक्ट. जस्ट एक डिबेट का विषय हो सकता है. नो, नॉट अ डिबेट एट ऑल. आप डिबेट करोगे व्हेन देयर इज एन आर्गुमेंट ऑफ सम. लाइक मुझे उनकी द वॉरियर अच्छी लगी, द नेमसेक अच्छी लगी. ये मुझे दोनों फिल्म उनकी अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि नेमसेक मैंने तब देखी जब मैं इंडिया से बाहर रहती थी. हु आर द एक्टर्स इन नेमसेक? तब्बू, इरफान खान ऑब्वियसली मेनली, ही वाज द मेन, मीरा नायर. एंड देयर वाज अ मीरा नायर फिल्म. जी जी, मेरे लिए बड़ा इमोशनल एक्सपीरियंस था. खैर एनीवेज, वो एक अलग चीज है. मैं बस ये बोल जानना चाह रही थी कि आपने जब 80s में की अ पैसेज टू इंडिया, फिर आप बाफ्टा के लिए नॉमिनेट हुए, जिसको ब्रिटिश ऑस्कर बोला जाता है, तो एक 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 एलिगेशन, इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो इंडियंस का पोर्ट्रेल है जब बाहर फिल्में बनती है, इंग्लैंड में, US में, वो बहुत स्टीरियोटिपिकल रहता है. उसमें पहले में एक रेसिज्म के एंगल से लिखा जाता है. आपको लगता है ये चेंज हुआ है ओवर द ईयर, जो इंडियंस काम करने गए हैं, जितने भी लिमिटेड ही सही? ऑफ कोर्स, योर ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज बॉलीवुड. यू वर्शिप बॉलीवुड. एवरी गोवन क्रिश्चियन यू मेड इनटू अ ड्रंक. एवरी साउथ इंडियन यू मेड इनटू, यू मेड हिम इनटू अ क्लाउन. यू कॉल्ड हिम अ साउथ इंडियन एंड ही वाज नॉट तमिलियन, ही वाज नॉट केरलाइट, ही वाज नथिंग, एक साउथ इंडियन लेबल छाप मारती है. We are the biggest racists in the world, in that sense. इससे जुड़ी हुई बात जो अभी पिछले कुछ दिनों में एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक बहुत डिबेट हो रहा है, खासकर हिंदी को लेके, जैसे अभी एक अजय देवगन का ही एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोल दिया कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, तो जो साउथ के कई एक्टर्स ने बोला कि नहीं, हमारी लैंग्वेज भी इतनी इंपॉर्टेंट है और हिंदी जो बॉलीवुड है उसकी वजह से बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उसको हमेशा साइडलाइन किया गया, इग्नोर किया गया. आप उससे कितना सहमत हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल नेकलेस ऑफ जेम्स, डिफरेंट जेम्स, ओके. एंड व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस कंट्री, यू कांट डिस्क्राइब ये पन्ना है, ये पोखराज है, ये हीरा है, ये मोती है. यू जस्ट से हम इंडियन हैं, यू नो, ये हमारे, दिस इज़ आर गले का हार, हम, दिस इज भारतवर्ष. एंड दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक इंडिया डिजर्व्स टू हैव एनी कॉमन लैंग्वेज दैट डिप्राइव्स यू ऑफ कैरेक्टर ऑफ मी ऑफ कैरेक्टर. पर ये जो फिल्म फ्रेटर्निटी में अभी अचानक से ऐसा लग रहा है एक साइलेंट वॉर सा छिड़ गया कि नहीं ये हिंदी है, ये बॉलीवुड है, नहीं ये हम साउथ की इंडस्ट्री है, तो टेल देम टू गो एंड प्ले क्रिकेट. यू सी, दैट इज द थर्ड रिलीजन वी हैव. सो बस टेल बॉलीवुड नाउ दे कैन गो एंड प्ले क्रिकेट. व्हाट बॉलीवुड थिंक्स अबाउट आवर नेशनल लैंग्वेज, माय गॉड, वो सत्यानाश कर दिया फॉर हिंदी. माय हिंदी इज ऑलमोस्ट बेटर देन बॉलीवुड हिंदी. एक जगह मैं पढ़ रही थी, आप बताएंगे सही है गलत, कि आप अपनी फिल्में नहीं देखते या नहीं ज़्यादा पसंद करते, ऐसा है क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पसंद कैसे करूँ, बिकॉज मैं देखता नहीं. हाँ, अपनी फिल्में आप एज एन एक्टर, क्योंकि ये मैंने कई एक्टर से सुना है, सबसे नहीं, कि हम अपनी फिल्म नहीं देखते. नहीं, आई हैव नॉट, एक ही फिल्म मैंने 3 बार देखा, वो इज घोरे बायरे, बिकॉज रे फोर्स्ड मी टू सी इट. हाथ पकड़ के हमें ले गए टू सी इट, बैठाया पास में से, यू हैव टू सी इट, अदरवाइज मैं देखता नहीं. इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग योर ओन फिल्म, आपको पता चल जाएगा विच इज़ योर बेटर प्रोफाइल. इन एवरी रेजर फिल्म इट विल लुक नाइस कि मैं ये करूँ, तो इन एवरी ब्लडी फिल्म, वेदर आई एम डेड ड्रंक और वेदर आई एम फुल्ली सोबर, आई विल बी डूइंग दिस. हाँ,
आप जो इतना लंबा आपका करियर रहा है, अगर एक चीज आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बदलनी हो क्या होगी वो एक चीज? अगर बदलना हो, आपके पास पावर है, आपके पास यू कैन चेंज एक चीज इंडस्ट्री में, एक चीज इंडस्ट्री में ज्यादा भी बदल सकते हैं, ज्यादा भी बदल सकते हैं. No, I think I would change nothing except that, you know, we must learn that film is a very powerful medium, and therefore we should be very responsible for the kind of films we make. I attribute the degeneration of our moral values today to Hindi cinema.